प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को तीन नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इवेंट में शामिल हुए। ये तीनों ट्रेनें चेन्नई से नागरकोइली, मदुरई से बेंगलुरु और मेरठ से लखनऊ के बीच चलेंगी। पीएम मोदी ने इस मौके पर कहा कि वंदे भारत आधुनिक होती भारतीय रेल का नया चेहरा है। आज हर रूट पर वंदे भारत की डिमांड है। देश भर में अब 102 वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं। 3 करोड़ से ज्यादा लोग इस ट्रेनों से यात्रा कर चुके हैं। वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत पहली बार 15 फरवरी 2019 को मेक इन इंडिया स्कीम के तहत की गई थी। इस समय देश में 100 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं। वंदे भारत ट्रेनों का रूट देश के 280 से अधिक जिलों को आपस में जोड़ रही है। वहीं मेरठ से भाजपा सांसद अरुण गोविल ने कहा कि आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है। आज मेरठ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री द्वारा इतना अच्छा तोहफा मिला, इसका स्वागत हुआ है। इससे विकास को तेजी मिलेगी। मेरा रेल यात्रा का बहुत दिनों का वनवास है। मेरा वनवास इसी ट्रेन से टूटेगा जब मेरठ से लखनऊ जाऊंगा। अच्छा तोहफा मिला है आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा और रेल मंत्री जी द्वारा। बहुत बहुत इसका स्वागत हुआ है और बहुत विकास में बहुत तेजी मिलेगी। इससे बहुत सुगम हो जाएगी, बहुत छोटी हो जाएगी, बहुत आरामदेह हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हम लोग तो सिर्फ प्रयास कर सकते हैं, बाकी करते तो वही है, करने वाला तो वही है। मैं करूंगा, मेरा बहुत दिन का वनवास है रेल यात्रा का। मैं अपना वनवास इसी ट्रेन से तोड़ूंगा जब मेरठ से लखनऊ जाऊंगा।